हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सी पी भार्गव, असिस्टेंट प्रोफेसर CSIT डिपार्टमेंट। आज हम यहाँ पर ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च टेक्निक के बारे में बात करने वाले हैं। ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च टेक्निक को डिस्कस करने से पहले यहाँ पर मैं अपने प्रीवियस लेक्चर डेप्थ फर्स्ट सर्च टेक्निक को रिवाइज करते हुए फिर हम इसको आगे बढ़ेंगे। डेप्थ फर्स्ट सर्च टेक्निक में हमने देखा था पर्टिकुलर, अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास जो अनइन्फॉर्म्ड जो सर्च टेक्निक्स हैं उनमें से हम डेप्थ फर्स्ट सर्च टेक्निक को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अनइन्फॉर्म्ड सर्च या ब्रूट फोर्स सर्च मीन्स यहाँ पर हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होती, हमारे पास सीधा सा एक प्रोसीजर होता है, उसको हम फॉलो करते हैं। तो उसी टेक्निक में आज हम दूसरी टेक्निक ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च को यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं इसकी आउटलाइंस में इसकी प्रीरिक्विजिट क्या है। ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च टेक्निक को देखेंगे, उसका एग्जांपल देखेंगे, उसकी एल्गोरिथम को यहाँ पर स्टडी करेंगे, देन टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, इसको हम देखेंगे कि ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसमें क्या डिफरेंस है, देन एडवांटेजेस की बात यहाँ करेंगे और इसके डिसएडवांटेजेस को भी डिस्कस करना है, देन इन दोनों के डिफरेंस को भी हम यहाँ पर देखेंगे और उसकी एप्लीकेशंस को। तो स्टार्ट यहाँ पर करते हैं हम प्रीरिक्विजिट। तो बेसिक नॉलेज ऑफ एल्गोरिथम एज इट इज DFS की तरह। नेक्स्ट ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च में हम बात करते हैं तो लेवल बाय लेवल की अगर जो बात होती थी आपकी डेप्थ फर्स्ट सर्च में, यहाँ पर हम क्या करते हैं पर्टिकुलर जो आपकी सर्चिंग है तो जितने भी लेवल में जो नोड हैं आपको या जो चिल्ड्रन हैं उन सारे नोड को आप कवर करते हैं। मींस जो पिछली वाली जो टेक्निक थी डेप्थ फर्स्ट सर्च उसमें हम पर्टिकुलर डेप्थ के साथ जितने भी नोड हमें मिल रहे थे एक पर्टिकुलर ट्रैक पर उनको हम कवर कर रहे थे। सो द लाइंस आर द सर्चिंग प्रोसेसेस लेवल बाय लेवल अनलाइक सर्च विच गोज डीप इनटू द ट्री। मीन्स आपको डीप जो आप बात करते थे डेप्थ फर्स्ट सर्च में वो फैक्टर यहाँ पर उसको इग्नोर किया गया है और हम पर्टिकुलर लेवल बाय लेवल जितने भी नोड्स हम कवर करेंगे उसकी बात यहाँ पर हम कर रहे हैं। सो एन ऑपरेटर इज एम्प्लॉयड टू जनरेट ऑल पॉसिबल चिल्ड्रन ऑफ द नोड ऑन द पर्टिकुलर लेवल। सो दिस इज़ द सिंपल एग्जांपल। पहले आप रूट नोड पर हैं, यहाँ पर आप पर्टिकुलर ए नोड पर हैं। ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च यहाँ पर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्यू को यूज़ करता है, इसको हम देखेंगे भी एग्जांपल के साथ कैसे इसका यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट ए के जो चिल्ड्रन हैं आपने एक्सप्लोर किए बी और सी। नेक्स्ट अब जब डेप्थ फर्स्ट सर्च में हम देख रहे थे तो बी के जस्ट आगे हम बढ़ जा रहे थे, उसके नेक्स्ट उसका हम डी कवर करते, बट यहाँ ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च में हमने बोला है कि पर्टिकुलर लेवल पर जो नोड्स होते हैं उनको आपको कवर करना होता है। मींस ए के बाद जो नेक्स्ट लेवल है बी, तो उसके जितने भी जो लेवल में जो नोड्स हैं मींस सी, उसको आप यहाँ कवर करेंगे या उसको प्रोसेस करेंगे। नेक्स्ट जैसे ही सी कवर हुआ तो अब नेक्स्ट लेवल जो स्टार्ट हो रहा है आपका डी से हो रहा है बी के चिल्ड्रन के फॉर्म में, तो यहाँ डी को हम कवर कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये यहाँ पर प्रोसेस आगे बढ़ती है। अब हम यहाँ पर एक एग्जांपल के साथ देख लेते हैं इसको। नेक्स्ट इसमें ए, देन उसके चिल्ड्रन बी और सी, बी के चिल्ड्रन डी एंड ई, सी के चिल्ड्रन एफ और जी, और एच इज़ द गोल, सो दैट इज़ द चिल्ड्रन ऑफ एफ। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखें, स्टार्ट कर रहे हैं हम ए के साथ, ए के जो चिल्ड्रन हैं आपके बी और सी। देन बी और सी को आपने देखा तो बी के
पर्टिकुलर आपने उसको बी को एक्सेस कर लिया, देन आपने यहाँ पर बी के जस्ट बाद सी को एक्सेस किया, जबकि डेप्थ फर्स्ट सर्च में क्या हो रहा था कि बी के चिल्ड्रन को आप क्रिएट करके उसके चिल्ड्रन को आप एक्सेस करने लगे थे, बट यहाँ पर सबसे पहले हमने बी को एक्सेस किया, देन बी के बाद हम सी को यहाँ पर एक्सेस करेंगे। ओके, सी को एक्सेस करने के बाद हम देखते हैं पर्टिकुलरली, तो यहाँ पर जो बी के जो चिल्ड्रन हैं डी और ई, तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पर हम जो भी चिल्ड्रन हैं उनको जो आपकी पर्टिकुलर लिस्ट है उसके एंड में अपेंड कर रहे हैं या ऐड कर रहे हैं। ओके, देन जो सी आपका, तो नेक्स्ट यहाँ पर हम सी को एक्सेस करने के बाद उसके जो चिल्ड्रन हैं डी और ई, अब इनको हम यहाँ पर कवर करेंगे, मींस नेक्स्ट लेवल हमारा यहाँ पर डी के साथ स्टार्ट हो रहा है। देन डी को हमने एक्सेस किया, अब देखते हैं डी का आगे कोई चिल्ड्रन यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर अब हम देखेंगे पर्टिकुलर लेवल में हमको ई दिख रहा है, तो ई को हमने एक्सेस किया, देन ई के एक्सेस करने के साथ ही हम इस जो पर्टिकुलर लेवल पर हम एफ़ को देखेंगे, देन जी को, देन आपको जी को एफ़ को एक्सेस कर लिया, नेक्स्ट जी को एक्सेस किया, देन एच, और हमको गोल नोड यहाँ पर हमने अचीव कर लिया। ओके, तो इस तरीके से ये यहाँ पर आपने देखा कि जो भी नोड एक्सप्लोर आप करते हैं वो जो पर्टिकुलर लिस्ट है उसके एंड में ऐड हो जाते हैं, तो ये डिफरेंस है आपका BFS और DFS में। नेक्स्ट यहाँ पर हम एक लॉन्ग एग्जांपल के साथ यहाँ देखते हैं, तो सबसे पहले ए को स्टार्ट किया, ए को स्टार्ट करने के बाद हमने इसके चिल्ड्रन क्रिएट किए बी और सी, देन बी को एक्सेस किया, देन आपने यहाँ पर सी को एक्सेस किया और बी के चिल्ड्रन आपने ऐड कर दिए एंड में डी और ई। ओके, नेक्स्ट सी को एक्सेस किया आपने, सी के एक्सेस करने के साथ यहाँ पर जो आप बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली, अब नेक्स्ट लेवल आपका चालू हो गया है डी के साथ, तो डी को एक्सेस किया। ओके, देन डी को जैसे ही आपने एक्सेस किया उसके चिल्ड्रन क्रिएट हुए एच आई, उनको आपने एंड में ऐड कर दिया। नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि उस लेवल में आपको ई दिख रहा है, तो ई को आपने एक्सेस किया, देन ई के जो चिल्ड्रन हैं आपके जे और के, उनको एंड में ऐड कर दिया आपने। नेक्स्ट आपने एफ को एक्सेस कर लिया ई के बाद, देन एफ के बाद आप जी को एक्सेस कर रहे हैं और उसके चिल्ड्रंस जो हैं आपके पर्टिकुलर एन, उसको आपने एंड में ऐड कर दिया। नेक्स्ट आपने जी को एक्सेस कर लिया है, नेक्स्ट अब आप बात करेंगे पर्टिकुलर जो लेवल स्टार्ट हो रहा है एच के साथ, ठीक है ना, मींस फोर्थ लेवल पर आप देख रहे हैं, तो एच को एक्सेस करने के बाद उसके चिल्ड्रन है जो आर, उसको आपने एंड में ऐड कर दिया, ठीक। नेक्स्ट आप देख रहे हैं इसी में आप आई को देखेंगे, आई को एक्सेस करेंगे, आई का जो चिल्ड्रन है एस, उसको एंड में ऐड कर दिया। नेक्स्ट जे, जे का कोई चिल्ड्रन नहीं है, कोई बात नहीं, यहाँ पर अब हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली, तो आई को एक्सेस किया और आई के एक्सेस करने के साथ एस को एंड में ऐड किया। नेक्स्ट अब आपके पास यहाँ पर आई के जस्ट बाद आप देख रहे हैं जे, और जे को एक्सेस किया, देन जे के बाद के, और के जस्ट बाद आप एल को एक्सेस करेंगे, एल के जो चिल्ड्रन है ओ, उसको एंड में ऐड कर दिया। ओके, नेक्स्ट ओ को मींस एल को जस्ट एक्सेस करने के बाद आप एम को एक्सेस करेंगे, और एम को एक्सेस करते ही आप उसमें आप टी उसके एंड में जोड़ देंगे लिस्ट के। नेक्स्ट
आप एन के बाद यहाँ पर आप नेक्स्ट जो नेक्स्ट लेवल है वो आर से स्टार्ट हो रहा है, मीन्स फिफ्थ लेवल पर आप देखें तो आर के बाद कोई इसका चिल्ड्रन नहीं है, तो कोई बात नहीं। इसके बाद आप एस को देखेंगे, एस को एक्सेस करने के बाद आप उसी लेवल पर आप देख रहे हैं कि जस्ट जो नोड्स है वो आपको ओ दिखाई दे रहा है, तो ओ को आप एक्सेस करेंगे, देन उसका जो चिल्ड्रन है पी उसको एंड में ऐड कर देंगे। नेक्स्ट आप देख रहे हैं ओ के साथ साथ आपको यहाँ टी दिखाई दे रहा है उसके लेवल में, देन टी को एक्सेस किया, टी का कोई चिल्ड्रन नहीं है। ठीक, नेक्स्ट टी को एक्सेस करने के बाद आप देख रहे हैं एक्स, देन एक्स के बाद अब आप बात करेंगे यहाँ पर पर्टिकुलर जो लेवल स्टार्ट हो रहा है पी के साथ, देन पी और एंड में क्यू। तो ये थोड़ा लेंथी रहा, बट इसके साथ हमारा एक प्रैक्टिस भी हुआ यहाँ पर। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि पर्टिकुलर यहाँ पर जो हमने सारे जो ब्रांचेस को कवर करते हुए इस एग्जांपल को हमने यहाँ पर एक्सप्लोर किया, तो यहाँ पर हमें लेवल बाय लेवल सारे नोड्स को एक्सप्लोर मीन्स एक्सेस करना होगा। अब हम बात करते हैं एल्गोरिथम ऑफ ब्रेडथ फर्स्ट सर्च। तो सबसे पहले एक वेरिएबल आप क्रिएट करेंगे जिसको आप नोड लिस्ट कह रहे हैं, एंड सेट इट टू द इनिशियल स्टेट। नेक्स्ट अंटिल अ गोल स्टेट इज फाउंड और नोड लिस्ट इज एम्प्टी, तो हमको क्या करना है, सबसे पहले रिमूवल द फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम द नोड लिस्ट एंड कॉल इट ई। इफ़ नोड लिस्ट वॉज एम्प्टी देन क्विट। ओके, अगर कोई नोड ही नहीं है तो आप क्या करेंगे, क्विट कर जाएंगे। नेक्स्ट फॉर ईच वे दैट ईच रूल कैन मेज द स्टेट डिस्क्राइब इन ई डू, सो द फर्स्ट वन इज अप्लाई द रूल टू जनरेट अ न्यू स्टेट। ये हम तो हम करते ही चले आए अभी तक, उसमें भी हमने चिल्ड्रन क्रिएट किए थे, बट हमने क्या किया था उन वहाँ पर जो डेप्थ फर्स्ट सर्च था उसको हमने इनिशियल में जितने भी चिल्ड्रन हुए उसको इनिशियली हम जोड़ देते थे या ऐड कर देते थे फ्रंट में। और अगर हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं यहाँ पर हम एंड में ऐड कर रहे हैं, जितने भी नोड्स हम क्रिएट कर रहे हैं उनको हम एंड में ऐड कर रहे हैं लिस्ट के एंड में। सो द सेकेंड रूल इज द न्यू स्टेट इज़ अ गोल स्टेट देन क्विट एंड रिटर्न टू दिस स्टेट। ओके, अदरवाइज ऐड द न्यू स्टेट टू द एंड ऑफ द नोड लिस्ट। तो यहाँ पर हमने देखा ही था कि जितने भी नोड क्रिएट हो रहे थे उसके चिल्ड्रन उसको हमने एंड में ऐड करते गए थे, जबकि डेप्थ फर्स्ट सर्च में हम फ्रंट में ऐड कर रहे हैं। ओके, तो ये एक बिग डिफरेंस है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की। तो टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की अगर हम देखें यहाँ पर, तो पर्टिकुलर जो टाइम है हमारा डेप्थ फर्स्ट सर्च के तरह ही हमको यहाँ पर इक्वल टाइम लग रहा है, बिकॉज़ हमको ब्रांचेस तो यहाँ क्रिएट करनी ही पड़ रही हैं, तो उसको जो टाइम कंज्यूम होता है वो तो यहाँ पर लगना ही लगना है। ओके, तो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो यहाँ पर सेम है। नेक्स्ट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करते हैं, तो डेप्थ फर्स्ट सर्च में हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सिंपल बिग ओ और ब्रैकेट में डी यानी डेप्थ के साथ हम उसको देख रहे थे। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं कि जो उस लेवल पर जितने सारे नोड्स हैं मींस जैसे ए के बाद जस्ट बाद बी और सी, तो डेप्थ फर्स्ट सर्च में सिर्फ हम बी की बात कर रहे थे पर्टिकुलर लेवल पर, लेकिन यहाँ पर हम जो नोड्स हैं आपके उसके लेवल पर जैसे बी और सी की बात करते हैं, तो आपको बी अगर एक्सेस कर रहे हैं तो सी को आप स्टोर करा के रख रहे हैं मेमोरी में, देन जैसे आप डी को एक्सेस कर रहे हैं तो ई एफ जी एच ये सारे के सारे नोड आप उसको मेमोरी में स्टोर करके रख रहे हैं। ओके, तो इस प्रकार से जो बात हो रही है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, तो वो भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की तरह ही यहाँ पर इक्वेशन क्रिएट हो रही है ओ बिग ओ और बी की पावर डी। ओके, तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों यहाँ पर सेम हो गई, तो ये भी एक डिफरेंस यहाँ पर आपको देखने को मिला बी एफ एस और डी एफ एस के अंदर। एंड नाउ द एडवांटेजेस ऑफ ब्रेडथ फर्स्ट सर्च।
उसको तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च विल नेवर गेट ट्रैप्ड एक्सप्लोरिंग द यूजलेस पाथ फॉर एवर। मीन जैसा डेप्थ फर्स्ट सर्च में हम देख रहे थे कि हम किसी भी एक पर्टिकुलर एक ट्रैक पर चले जा रहे हैं और एक मीन्स यूजलेस पाथ को हम फॉलो कर रहे होते हैं। नेक्स्ट, इफ देयर इज़ अ सॉल्यूशन BFS विल डेफिनेटली फाइंड आउट इट। मीन्स ये बहुत जल्दी आपको सॉल्यूशंस मीन्स आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड आपको करता है रादर देन आपके डेप्थ फर्स्ट सर्च। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इफ देयर इज मोर देन वन सॉल्यूशन देन BFS कैन फाइंड द मिनिमल वन दैट रिक्वायर्स लेस नंबर ऑफ स्टेप्स रादर देन DFS। एंड नाउ द डिसएडवांटेजेस ऑफ ब्रेथ फर्स्ट सर्च। सो डिसएडवांटेजेस में हम बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो है मेमोरी का, बिकॉज ऑफ द स्टोरेज इज वेरी मच रिक्वायर्ड। सो इट रिक्वायर्स मोर मेमोरी, बिकॉज यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पर्टिकुलर स्टोरेज के लिए आपको उस लेवल पर सारे नोट्स को स्टोर कराना होता है, तो ये DFS के कंपैरिजन में इसमें मेमोरी ज़्यादा लगती है। एंड द सेकेंड इज सर्चिंग प्रोसेसेस रिमेंबर्स ऑल अनवांटेड नोट्स विच इज ऑफ नो प्रैक्टिकल यूज फॉर द सर्च। मीन्स मेमोरी भी लग रही है और जितने भी नोट्स आप इसमें पर्टिकुलर आपको रिमेंबर करके रखने होते हैं, जो कुछ अनवांटेड होते हैं कुछ अनवांटेड भी होते हैं। अनवांटेड नोट्स की हम बात कर रहे हैं तो ये यहाँ पर मेमोरी को भी मीन्स उसका कंजम्पशन लेते हैं और उनका कोई प्रैक्टिकल यूज़ भी नहीं होता है पर्टिकुलर स्टोरेज के साथ। नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ BFS एल्गोरिथम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हम अनवेटेड ग्राफ्स। व्हाट इज़ अनवेटेड ग्राफ? अनवेटेड मींस पर्टिकुलर एज पर कोई भी वेट यहाँ पर नहीं दिया हुआ है या कोई इंफॉर्मेशन यहाँ पर नहीं दी हुई है, मींस एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक की जाने के लिए। सो BFS एल्गोरिथम कैन ईजिली क्रिएट द शॉर्टेस्ट पाथ एंड मिनिमम स्पेनिंग ट्री टू विजिट ऑल द वर्टाइसेस ऑफ द ग्राफ इन द शॉर्टेस्ट टाइम पॉसिबल विद हाई एक्यूरेसी। अनवेटेड ग्राफ है, मिनिमम स्पेनिंग ट्री को क्रिएट करता है, सारे वर्टाइसेस को कवर करता है, आपने देखा ही था अभी लेवल बाय लेवल हम सारे नोट्स को यहाँ पर एक्सेस करते जा रहे हैं उस पर्टिकुलर लेवल पर, और ये आपको अगर कहें तो पॉसिबली एक हाई एक्यूरेसी के साथ आपको शॉर्टेस्ट पाथ प्रोवाइड कर देता है। नेक्स्ट, P2P नेटवर्क, पीयर टू पीयर नेटवर्क। BFS कैन बी इम्प्लीमेंटेड टू लोकेट ऑल द नियरेस्ट नाइबरिंग रोड्स इन द पीयर टू पीयर नेटवर्क। ओके, मीन्स सारे जो नियरेस्ट जो नाइबरिंग नोड्स हैं उनको पीयर टू पीयर उनको लोकेट ये कर देता है। सो इस तरीके से हम पर्टिकुलरली बात करते हैं तो दिस विल फाइंड द रिक्वायर्ड डेटा फास्टर। नेक्स्ट, वेब क्राउलर्स। वेब क्राउलर्स या बात करें सर्च इंजन या फिर वेब क्राउलर्स कैन ईजिली बिल्ड मल्टीपल लेवल ऑफ इंडेक्सेस बाय एम्प्लॉइंग BFS टेक्निक। सो बाय यूजिंग BFS इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट फ्रॉम द सोर्स विच इज द वेब पेज एंड देन इट विजिट्स ऑल द लिंक्स फ्रॉम द सोर्स। ओके, मीन्स इस इम्प्लीमेंटेशन के साथ आप सोर्स से स्टार्ट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं विच इज़ द वेब पेज एंड देन इट विजिट्स ऑल द लिंक्स फ्रॉम दैट सोर्स। नेक्स्ट, नेविगेशन सिस्टम। नेविगेशन सिस्टम में आप बात करते हैं तो BFS कैन हेल्प फाइंड ऑल द नाइबरिंग लोकेशंस फ्रॉम द मेन और सोर्स लोकेशन। तो ये सारे जो एक तरीके से एप्लीकेशन कहें या इसके जो एडवांटेजेस भी कह सकते हैं कि BFS यहाँ पर हेल्प करता है कि जितने भी नाइबरिंग लोकेशंस हैं आपके फ्रॉम द मेन और सोर्स लोकेशन इन द नेटवर्क तो इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट, नेटवर्क ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्ट पैकेट इज गाइडेड बाय द BFS एल्गोरिथम टू फाइंड एंड रीच ऑल द नोड्स इट हैज द एड्रेस फॉर। एंड नाउ दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन DFS एंड BFS।
तो एक बार यहाँ पर फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर DFS में इट रिक्वायर्स लेस मेमोरी बिकॉज ओनली द नोड्स ऑन द करंट पाथ आर स्टोर, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड BFS में क्या होता है कि ये मेमोरी ये ज़्यादा लगती है बिकॉज ऑल द ट्री हैज टू सो फार जनरेटेड मस्ट बी स्टोर। नेक्स्ट DFS इट इज द वन इन विच लक सॉल्यूशन कैन बी फाउंड विदाउट एग्जामिनिंग मच ऑफ द सर्च स्पेस एट ऑल। मीन्स यहाँ पर लक की बात चल रही है, लकीली अगर आपको कोई सॉल्यूशन अगर आप मिल पाता है तो आप देखते हैं इसके अंदर पर्टिकुलरली आपको किसी एक पर्टिकुलर ट्रैक पर वो सॉल्यूशन मिल सकता है। BFS में बात करें तो वाइल इन BFS ऑल पार्ट्स ऑफ द ट्री मस्ट एग्जामिन टू अ लेवल एंड फोर एनी नोड्स ऑन लेवल एन प्लस वन बी एग्जामिन। ओके, कहने का मतलब क्या हुआ कि सारे के सारे जो लेवल पर जो नोड्स हैं उनको सारे के सारे इसमें एग्जामिन होते हैं, बट यहाँ पर DFS से जब कंपेरिजन करते हैं तो ऐसा हमको मीन्स एक बिग डिफरेंस यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट DFS इट डज नॉट गिव ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड BFS में हमको ऑप्टिमल सॉल्यूशन एक लेवल पर मिल सकता है। देन DFS की बात करते हैं, फोर्थ डिफरेंस मे फाइंड अ लॉन्ग पाथ टू अ सॉल्यूशन इन पार्ट ऑफ द ट्री व्हेन अ शॉर्टर पाथ एग्जिस्ट इन सम अदर ब्रांच और अनएक्सप्लोर्ड पार्ट ऑफ द ट्री एंड BFS गारंटी टू फाइंड अ सॉल्यूशन इफ इट एग्जिस्ट। सो फर्दर मोर इफ देयर आर मल्टीपल सॉल्यूशन देन मिनिमल सॉल्यूशन विल बी फाउंड। सो हियर आर द सम डिफरेंसेस throughout we already studied in the topic and this is the time complexity OBD, time complexity OBD in both are same and the space complexity is different in the depth first search simple big O D and in the BFS big O big E power D. So where V is a branching factor and D is a depth factor. So these are some students learning outcome, so understanding about the brute force search and drawbacks of the algorithm. These are the some student effective learning outcomes and these are the references. So students, here we end the topic for the brute force search. So in the next lecture we will discuss the advanced or optimistic or knowledge based or informative algorithms that we will use in the AI. So these are some examples, hill climbing, west first search, A star algorithm, AO star algorithm, that we will discuss in the upcoming lectures. So once again I remind you the lecture perspective for the search algorithms. So basically in AI there are the two search techniques, informed search and uninformed search. So here we end the topic by the BFS and DFS of the uninformed search, means without any knowledge. In the BFS and DFS there is no information given from the any state to another state. Okay, but in the upcoming lectures we will study the informative algorithms or informed search algorithms. So students please आप इसको यहाँ पर ध्यान दीजिए जो बातें यहाँ पर बताई गई हैं पर्टिकुलर सर्च एल्गोरिथम्स के लिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इन्फॉर्म सर्च एल्गोरिथम्स की।
तो इनको आपको नेक्स्ट चल के लिए तैयार भी रखना है, हिल क्लाइंबिंग, ए स्टार, बेस्ट फर्स्ट सर्च, ए ओ स्टार एल्गोरिथम। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।